वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, आज है संडे। आज हम लोग नहीं गए हैं ट्रैक पे क्योंकि घर की हालत बहुत बिगड़ी पड़ी है और मैंने सोचा कि नींद नहीं जा रही है यार। मेरा लदुश गुड मॉर्निंग। लदु गुड मॉर्निंग मामा। मुमुश को अभी बहुत नाटक करेगा। अरे 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 अभी इसको आई है बहुत नौटंकी। अभी बहुत नौटंकी करेगा, ये देखना इसकी नौटंकी। पड़ा है देखो सामने पसारा, यहाँ पर कपड़े पड़े हैं, वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी है। ये एंजल देखो उसके प्यारे से क्वीन साइज बेड में सो रही है। इसका तो अपना ही है, मतलब इसको तो सोना ही है। उठ जा जल्दी। इधर बैठ और सबको गुड मॉर्निंग बोल। इधर बैठ रहा सबको। अरे सोना नहीं है, कितना सोएगा। सोने दो ना, संडे है। हीरो के गंदू नाक को हम किसी करेंगे क्योंकि वो ठंडू है ना। तो ये तो मान ही नहीं रहा है, इसको तो सोना ही है लेकिन मुझे नहीं सोना है। बहुत सारे काम करने हैं उठ के, बहुत सारे चीजें कंप्लीट करनी है आज, और एक नया वीक शुरू होगा कल, तो उसके लिए प्रेप करना है पूरा। पर उससे पहले हम बनाएंगे मेरी प्यारी चाय। ये मैंने कुछ मंगाया था, ब्रेकफास्ट आ गया है, लेकिन ये पूरा किचन साफ करना है। सिंगल लाइफ, जब आपको खाना बनाने में कंटाल आता हो ना तब यही सब खा के। कोई तो पूछ रहा था कि खाना बनाने का कंटाल नहीं आता। अरे बहुत कंटाल आता है, तभी तो ये सब खा के मतलब वक्त निकल जाता है। लेकिन अभी लेट्स मेक सम चाय। अभी आप मत पूछो क्या है, बस है। एंजल आ गई है। एंजल, एंजू, वो कैमरा देख के भाग गई। वो ऐसी शैतान बच्ची है मेरी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है शूट होना। तो ये अभी मैं रखूंगी मेरी चाय। इसमें डलेगी, चाय पत्ती भी खत्म होने आई है। बहुत कुछ करना है इसके लिए तो आज घर पर। वैसे चाय पत्ती का और एक पैकेट है। हाँ, सोसाइटी टी 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 टी। इसमें डाल देती हूँ अभी से बच्चे। गिर गई। चाय बन रही है मेरी। किस किस को ऐसी उबली हुई चाय पसंद है? तो भैया मैं कह रही थी कि सबसे पहले बेड बनाना चाहिए सुबह उठ के। मॉर्निंग में बेड बना लिया है मैंने मेरा। वाओ, इतनी मैं सफाई कर रही थी, बेड बना रही थी। बाल बाल हो जाते हैं घर में हीरो और एंजल के चलते, पर कोई नहीं, हम कर लेंगे सफाई। सबसे पहले तो मुझे इन कपड़ों का काम तमाम करना है। आज बहुत गंदा लग रहा है। ये जो पूरा कॉर्नर है ना, ये पूरे कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं। बहुत ऐसी बेचैनी सी हो रही है मेरे को। और फिर ये सब मेरा सामान, मेरे एयरपॉड्स, मेरा लैपटॉप, ये वो सब ऐसे बिखरा पड़ा है, तो और ज्यादा बेचैनी हो रही है। बेचैनी को कंट्रोल करते हैं चाय पी करके। बढ़िया सी चाय पियेंगे। अब डालूंगी मैं चाय और दूध, थोड़ा गर्म होने दो। जो ब्रेकफास्ट मंगाया है आज, वो ले लेते हैं प्लेट में। ले लेते हैं अपनी चाय। मुझे नहीं पता किस एंगल में शूट हो रहा है। छन्नी कहाँ रख दी इस घर में, तो बहुत
बहुत यार बहुत। हाँ इधर ही है, इधर ही है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस जो गंध मची हुई है दिमाग काम नहीं कर रहा है। डालेंगे चाय। चाय तो डल गई है। क्या ब्रेकफास्ट आया है? Let me see. Oh wow, स्पून भी दिया है प्लास्टिक, but not a sustainable option. प्लास्टिक के स्पून मत दिया करो भैया, क्यों देना है? Wow, इसको मैं प्लेट में नहीं निकालती, ऐसे ही रखती हूँ, इसी में से खा लेंगे। वैसे बाय द वे टिपिकल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट मी मागवले होते कांदे पोहे, पोहे बनवायला घरी फक्त पोहे होते, बाकी काय नव्हतं। मार्केट मधून जाऊन कधी मी सगळं कांदा लसूण मीठ मिरची कोथमीर आणणार होते, त्याला वेळ लागला असता, आणि कांदे पोहे कसे खाल्ले असते बरं। म्हणून मी मस्तपैकी चमचमीत पोहे मागवले होते आज, प्लेट मध्ये टाकूयाच आपण। अयो पण हे सगळे पचकले म्हणजे थोडस नींबू। पोहे काढलेत प्लेट मध्ये, हा आपला चहा रेडी आहे। जो बोलतात की ना बेड पे बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, पर मेरे बेड से या फिर मेरी खिड़की से ये जो सुंदर सा व्यू सामने दिखता है ना, ये एस्थेटिक खराब केला या बॉटल नहीं माझा। ये जो व्यू मतलब अच्छे से पहाड़ वहाड़ दिखता है ना सामने, वहां पर दिसले का थांब दाखवते तुम्हाला। ये जो वहां पे जूम करून दाखवते, आयफोन का फायदा। हे जे असे डोंगर वगैरे दिसतात, कधी फॉग ने कवर्ड असतात, पाऊस असला तर कधी झरे वाहतात त्यातून, असं खूप काय काय होत असतं तिथे चमत्कार, आणि ते बघायला खूप भारी वाटतं, म्हणजे छान वाटतं, अच्छा लगता है वो सब देखने के लिए। क्योंकि कभी वहाँ पे से ऐसे झरने बहते, कभी पूरा माउंटेन फॉग से कवर्ड होता। आज तो सनी डे है, इसके लिए क्लाउड्स बहुत ऊपर है, नहीं तो फॉगी सा रहता है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे देख के ब्रेकफास्ट करने के लिए। म्हणून इसीलिए मैं यहाँ बैठ करके यूजुअली ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो टेस्ट करते हैं अपने पोहे कैसे आए हैं। लोक हसतील का मी ऑर्डर करून काय ऑर्डर केलं तर कांदे पोहे, पण नाही यार बनवायला कंटाळा आलेला सकाळी। लक्झरी आज तर संडे ना, मग तर काहीतरी लक्झरी पाहिजे ना, हेच अफोर्ड करू शकते बाय द वे मी। मस्त जेवढे मॉइस्ट वाटत होते एवढे मॉइस्ट ना, छान आहे जसे पाहिजे तसे। माझी मम्मी पण असेच पोहे बनवते। मस्त पोहे, चाय, इससे तो जिंदगी बोलते हैं। हीरो इसी को तो जिंदगी बोलते हैं, हीरो है ना इंजू। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, हमारे को तो ब्रेकफास्ट करा था, तुमसे जेवन गरम होता है। उनका चिकन थोड़ा सा गरम हो रहा है, फिर वो भी ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे जैसा, तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। या ब्रेकफास्ट तो फिनिश हो गया है, पूरा खत्म कर, नींद की जा ही नहीं रही है। पर हीरो बड़े ध्यान से मीटिंग सुन रहा है जो उधर नीचे क्लब हाउस में हो रही है, और बड़ा ध्यान लगा के वहाँ अपना सुन रहा है वो तामझाम उसका। हीरो क्या सुन रहा मोमो, क्या सुन रहा मामा,
क्या सुन रहा है, मीटिंग सुन रहा है, तेको जाना है, तेको जाना है, तेको बनना है सोसाइटी का मेंबर, बनना है तेको, तेको बनना है लड्डू को सोसाइटी का मेंबर बनना है, मेरे लड्डू को, मेरे लड्डू को कोई सोसाइटी का मेंबर बना लो। भी खूब मोटा गिव अवे करना रहे, जिसके चलते ये सारा जो फर्नीचर मैंने निकाल के रखा है वो मैं दे रही हूँ। क्विक अपडेट, ये सब मैं अभी सॉर्ट कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, बहुत सी चीजें फेंक दी है। एंजल यहाँ आके सो रही है और बहुत सी चीजें करना अभी बाकी है। इतनी प्यारी सनलाइट आ रही है यहाँ पर, तो मैं हमने हैंग आउट करना ही छोड़ दिया जब से मैंने डेली व्लॉग बनाना बंद कर दिया तब से, नहीं तो इतना प्यारा लगता था ना कि हम यहाँ पर मस्त ऐसे हैंग आउट करते थे और इतना प्यारा सनसेट देखते थे। इसको क्लीन कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, इसके गद्दे भी नए आ गए, वो भी यहाँ रख दूंगी और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, उसका एक रीजन है, द रीजन इज ये सब क्लीनिंग हो जाने के बाद, आहा कितनी प्यारी हवा आ रही है, वाह 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 वाह। तो ये सब क्लीनिंग हो जाने के बाद आई एम गोइंग टू गिव हीरो एंजल अ बाथ और उनको नहलाने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं उनको नहलाती हूँ मैं पूरी की पूरी गीली हो जाती हूँ। अभी आ रही हूँ मैं थोड़े देर में, टाइम लैप्स लगा दूँ। मजा ही कुछ और है, क्या नींद आती है फिर इस पे जब बेड इतना क्लीन होता है, अच्छी नई नई धुली हुई चादर होती है, बहुत अच्छा लगता है। बट सबसे अच्छा अभी क्या लग रहा है पता है, ये जो हो रहा है ना अभी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब ये सब तो निकाल दिया है, इसको क्लीन करना और उसको नीचे ट्रैश में फेंक के आना बाकी है, तो जल्दी जल्दी से वो कर लेते हैं, फिर हीरो एंजल को नहलाएंगे और जल्दी से खुद भी नहा लेंगे शाम के लिए, फिर शाम को देखते कुछ करेंगे, बाहर जाएंगे। लड्डू जल्दी आ जा, आ गया मेरा लड्डू भी, आ गया मेरा लड्डू भी सनसेट देखने आ गया, लड्डू को भी इधर से सनसेट देखना था इतने दिन से। ओहो हो देखो कैसे चमक रहा है, देखो कैसे चमक रहा है मेरा लड्डू, अड्डू मेरे पेड़ बच्चों मोमो को प्योरो बेटा, मोमो को प्योरो बेटा। अब हीरो अपना मस्त एंजॉय करेगा सनसेट, उसको पसंद है यहाँ बैठना। जैसे कि मैंने बोला था कि हम शाम में बाहर जाएंगे, तो अभी तो मैंने थोड़ी सी तैयार नहीं हुई हूँ, बस कपड़े चेंज कर लिए, घर पे फिलहाल मिरर नहीं है तो इसमें देख लो, इसमें क्लियर दिख रहा है, ये पहन रही हूँ मैं। और थोड़ा बहुत साफ सफाई करना अभी भी बाकी है, पर मैंने नहा लिया है, हीरो एंजल को नहीं नहला पाई क्योंकि हीरो को छिपकली पकड़नी थी, तो उसने छिपकली के चलते सब सामान यहाँ वहाँ कर दिया और मेरे को आ गया गुस्सा, तो फिर मैंने उसको नहीं नहलाया, एंजल को भी नहीं नहलाया, पर मैंने खुद नहा लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर चाय पीने। ये लाइट के बीच में छुप रहा है लेकिन इतना बढ़िया मूनराइज हुआ है। आज है क्या है आज, संदीप? शरद पूर्णिमा जिसको मराठी में बोलते हैं कोजागिरी पूर्णिमा। तो आज सब लोग खाएंगे मस्त मस्त मसाला दूध और खीर और हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं? वापस चल के इधर वही जाना है, वापस वही बैठना है। हाँ तो नहीं तो कहाँ जाने वाले थे? सम प्लेस एल्स, जहाँ खोजना हो, मतलब ऐसे कुछ नहीं जगह। देखते हैं। तो
फाइनली जैसे मैंने बोला था शाम को कहीं जाएंगे, तो हम लोग आ गए मेरे फेवरेट कैफे कंसर्ट में, जिसका नाम है आर्ट कैफे रूट। मैं फुर्सत में आपको किसी दिन ये कैफे का टूर दूंगी, लेकिन अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग संदीप? चाय पार्टी। चीयर्स। और ये खा रहे हैं, ये हमने मंगाया है, ये स्पेशली हमको ओनर ने खिलाया है, गुजरात का। हाँ, कुछ स्पेशल ऐसा गुजरात का डिश है। और ये आलू वड़ी संदीप खा रहा है, वो अच्छा है। Amazing. तो आप कभी करजत मोरबे वाले रोड पे होंगे तो यहाँ पर जरूर आना। और अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय, आपको मिलती है थोड़ी देर में घर जाके। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं गई थी आर्ट कैफे और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर, काफ़ी सारी बातचीत की और काफ़ी कुछ गहरे विषयों पे चिंतन हुआ, बहुत सारी बातें निकल के आई। और सबसे एविडेंटली ये बात निकली कि हर किसी के लिए सही और गलत का डेफिनेशन बहुत अलग अलग होता है। जो मुझे सही लगता है शायद वो किसी को गलत लगे, जो उसे गलत लगता है शायद वो मुझे सही लगे। तो सही गलत ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस यही बोलूँगी कि जस्ट लेट पीपल बी, एंडिंग इट ऑन दिस नोट हियर, जस्ट लेट पीपल बी एंड सी यू टुमारो। Thank you.